नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना काल में सोता नहीं था, तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि देखकर लोग कांप जाएंगे, मोबाइल पर 5,000 रुपए महीने बचाए। नरेंद्र मोदी सीएम पीएम रहने के बाद भी खुद को गरीब कहते हैं, चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वार। यूएफओ खोजने के लिए वायुसेना ने राफेल फाइटर लगाए थे इंफाल एयरपोर्ट की सूचना पर, एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हुए। दिल्ली में AQI फिर 300 के पार, हवा बहुत खराब, 10 दिन बाद स्कूल खुले, ट्रकों के एंट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क से रोक हटी। दिल्ली LG का चीफ सेक्रेटरी को हटाने से इनकार, कहा जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हम बुरी हालत में हैं, जल्दी बाहर निकालो, उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की पुकार सुनो सरकार। गैंगरेप, छेड़छाड़ और हत्या, मणिपुर हिंसा की पीड़ित महिलाओं को दी गई 5 करोड़ की सहायता राशि, एन बीरेन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, घात लगाकर किए गए हमले में स्पेशल फोर्स के जवान समेत 2 की मौत। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमिकों को 9 दिन में पहली बार भेजा गया खिचड़ी दलिया, अलग तकनीक से दिया जा रहा खाना, ऑक्सीजन और भोजन दोनों भेजे जा सकेंगे। सोना आयात नहीं करते तो पहले ही पा लेते 5 ट्रिलियन का लक्ष्य, भारत की GDP पर बोले अस्थायी सदस्य नीलेश शाह। ये स्वीकार नहीं, कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में केंद्र की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रहे स्मगलर गैंग का भंडाफोड़, अमृतसर पुलिस ने 9 तस्कर पकड़े, 14.5 लाख रुपए की ड्रग्स, मनी, मोबाइल भी बरामद। हिमाचल में 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला, सीएम बोले पिछली बीजेपी सरकार में बिना लीज चलते रहे 63 क्रशर, स्टेट को नहीं मिली रॉयल्टी। पंजाब में 28-29 नवंबर को शीतकालीन सत्र, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला गवर्नर के अवैध बताने पर स्थगित किया था सदन। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बोली, राजस्थान में भाजपा हिट विकेट है, नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उसे डाटा नहीं गया, इनकी आदत मत बिगाड़ो। अलीगढ़ में मनाया गया गोपाष्टमी का त्यौहार, श्रद्धालुओं ने की गाय की पूजा, शहर के सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। औरैया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बहराइच में दबंगों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा, पीड़ित पक्ष पर धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल, मामले की जांच में जुटे पुलिस। हरदोई में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन, FSDA की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, शॉपिंग मॉल और दुकानों में की गई छापेमारी।
कौशाम्बी में रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या मुकदमे में सुलह नहीं करने पर हत्या आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मैनपुरी में ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, बैंकों से चेक गायब करने के बाद होती थी ठगी, पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात, घटना के बाद इलाके में सनसनी, परिजनों ने पुलिस अधीक्षक और डीएम से लगाई गुहार। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिलक्यारा सुरंग में पहुंचा कैमरा, सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर स्वस्थ, पहली बार सामने आई तस्वीरें। अलीगढ़ में युवक ने वृद्धा के साथ किया दुष्कर्म, घटना को अंजाम देकर युवक फरार, मामले की जांच में जुटे पुलिस। आगरा में यातायात पुलिस की दिखी सतर्कता, 35,000 वाहनों के काटे चालान, पुलिस ने वसूला लाखों का जुर्माना। हरदोई में झाड़ी शाह बाबा के उर्स मेले का आयोजन, मेले में उमड़ा हजारों का जनसैलाब, कॉमेडियन शेख चिली ने दर्शकों को हंसा हंसा कर लूटपोट किया। लखनऊ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, नया सीवर बना खतरा, कई लोग हो चुके हैं हादसे का शिकार। लखनऊ की आबो हवा हुई दूषित, लखनऊ में AQI लेवल पहुंचा 300 के पार, अलीगंज केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र में AQI पहुंचा 229 के पार, वहीं लखनऊ लालबाग में AQI लेवल 272। बिहार में डीएम की कार ने 4 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत, मृतकों में मां बेटा और NH कर्मी शामिल, मधेपुरा डीएम की गाड़ी से हादसा। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी, आनंदीबेन पटेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो। दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी ने टीम का बढ़ाया हौसला, मैच वाले दिन ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिले पीएम, कहा आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। चित्रकूट में भीषण हादसा, जनरत और बुलेरो के आमने सामने से टक्कर, बच्चे समेत 5 की मौत, 10 घायल। बहू है IPS अफसर, गांव वालों ने सिर आंखों पर बिठाया, पोल खुली तो सब हैरान, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। मासूम के साथ पड़ोसी ने की गंदी हरकत, परिजन आए तो आरोपी छत से कूदा, जख्मी होने के बाद पकड़ा गया। देवरिया में बदमाशों ने सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा कर मांगी रंगदारी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, प्रधान ने थाने में तहरीर दी है जिसके आधार पर जांच जारी। मुठभेड़ में गोली लगने से नहीं, हादसे में चोट से हुई साजिद की मौत, पुलिस अफसरों ने किया दावा। ₹69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण के मुद्दे पर अपीलों की रोजाना सुनवाई, 4 दिसंबर से कोर्ट ने रोजाना सुनवाई का आदेश पक्षकारों के वकीलों के संयुक्त आग्रह पर दिया। गीता के उपदेशों से मजबूर करेंगे चीन की संस्कृति, गोरक्षनाथ मंदिर में देखी छठ महापर्व की महंता, शंघाई के फुडन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भारत दौरे पर। लखनऊ और कानपुर के लिए सीधी उड़ान, बिग चार्टर कंपनी देगी सेवाएं, बस लोकार्पण का इंतजार।
मुरादाबाद में 30 से 29 नवंबर तक रूट डायवर्जन यातायात पुलिस ने जारी किया प्लान, छोटे वाहनों को कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। हलाल प्रमाणित प्रतिबंध खाद्य पदार्थों की जांच शुरू, मॉल से दाल के 116 पैकेट किए जब्त। बस्ती में बड़ा हादसा, आगे चल रहे ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, महिला की मौत, कई की हालत नाजुक। ४२०० शिक्षक कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा निजी बीमा, बैंकों में लगाया 1% कमीशन का लालच, शासन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। ४०० शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की तैयारी, शिक्षक महानिदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव, शिक्षक महानिदेशालय ने इस संबंध में शासन को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल में श्रमिकों को सुरंग से बचा चुकी है विशेष टीम भी पहुंची सिलक्यारा, बताया प्लान, साल 2015 में भी हादसा होने के बाद दो मजदूर फंस गए थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जबरन रिटायर्ड किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश, कर्मियों ने दायर की थी याचिका। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहली बार दिन में उतरे सेना के दो बड़े विमान, उत्तरकाशी भेजने के लिए लाई मशीनें, हरक्यूलिस ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। मसूरी के कई क्षेत्रों में दिखा गुलदार, वीडियो हो रहा वायरल, लोगों में दहशत। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ प्रोफेसर डिक्स बोले, अभियान सकारात्मक, जल्द मिलेगी सफलता, भूगर्भीय स्थिति अनुकूल पाई गई है। दो रोबोट गए सुरंग के अंदर, बड़कोट छोर से भी सुरंग में ड्रिलिंग का काम हुआ शुरू, अर्नोल्ड डिक्स ने हालत का जायजा लिया। नए साल में पर्यटकों को मिलेगा तोहफा, टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स के बाद अब चलेगा हाईटेक क्रूज। निजी बैंक पर 98,000 रुपए के गोलमाल का आरोप हुआ हंगामा, उपभोक्ता का आरोप है कि बैंक स्टाफ से मिलीभगत से गोलमाल किया गया है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किया। टाइगर रिजर्व में निर्माण शुरू करने के लिए केंद्र से मांगी राय, कोर्ट के आदेश के बाद से बना संशय। अनियंत्रित होकर मोड़ पर खड़े टैंकर को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में गई हेल्पर की जान, चालक हुआ घायल। पौड़ी सतपुली एकेश्वर मार्ग पर दो बसों की भिड़ंत, बाल बाल बचे 22 यात्री, घायलों को पहुंचाया अस्पताल। अटारी में पकड़ी गई हेरोइन मामले में एनआईए के उत्तराखंड में छापे, दस्तावेज किए बरामद। गांव गांव डगर डगर अब कैमरे की नजर, सीसीटीवी की निगरानी में 65% ग्राम पंचायतें, सरकारी संपत्तियों पर भी नजर रखी जा रही। हमास के साथ संबंधों के आरोप में इजरायली सेना ने फ्रीलांस पत्रकार को किया गिरफ्तार, कंपनी ने तोड़े सारे करार। हुती के लड़ाकों ने बीच समंदर से अगवा कर लिया भारत की ओर आने वाला जहाज, फिल्मी स्टाइल में हेलीकॉप्टर से उतरे।
समंदर में जा गिरा यूएस नेवी का विमान, 9 घातक मरीन कमांडो ने तैर कर बचाई जान। P-8 विमान की औसत कीमत $150 मिलियन है। सुबह सुबह भूकंप के झटके से कांपा अफगानिस्तान, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। लंबे समय के लिए जेल जा सकती है शकीरा, टैक्स धोखाधड़ी मामले में बुरी फंसी पॉप सिंगर, बहामास में है आधिकारिक निवास। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी के इलेक्शन लड़ने पर रोक, विपक्षी पार्टी कर सकती है चुनाव का बहिष्कार। मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा चरित्र, भारतीय सैनिकों को वापस जाने को कहा और अब कह रहे हैं भारत के विमानों का इस्तेमाल। हमास ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में बंधकों को रखा है, इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा, हथियार बंद लोगों के साथ दिख रहे बंधक। दुनिया भर में देखी चढ़की धूप, न्यूजर्सी में 2000 भारतीय श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य को अर्घ, मेलबर्न में जुटे सैकड़ों लोग। इजरायल ने अल शिफा में 55 मीटर लंबी सुरंग मिलने का किया दावा, हमास बोला हमने नहीं बनाई, बंधकों को तलाश रहा है इजरायल। वेडिंग सीजन से ठीक पहले उछले सोने के दाम, चांदी में भी आए ₹600 से ज्यादा की तेजी, ऐसे में लोग जमकर सोने की खरीदारी कर रहे। रोजगार के मोर्चे पर मिली अच्छी खबर, सितंबर में बढ़ी नौकरियां, EPFO से जुड़े नए सदस्य। शेयर बाजार की मंगल शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक चढ़कर 65,860 पर खुला, वही निफ्टी 19,770 पर ओपन। एमवे इंडिया की बढ़ने वाली है मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कंपनी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। गरीब रथ में नहीं चल रहे थे एसी और पंखे, कोच ने रेलवे पर लगाया 15,000 का जुर्माना, सूचना देने के बाद भी नहीं मिली कोई राहत। भारत का सबसे महंगा तलाक, गौतम सिंघानिया से नवाज मोदी ने की डिमांड, 8,000 करोड़ रुपए के पार है काटा। सुब्रत राय के निधन के बाद फायदे में सरकार, अब सरकार को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है, पिछले सप्ताह मुंबई में हो गया था निधन। असुरक्षित कर्ज पर सख्ती बढ़ाना सही फैसला, मूडीज ने कहा बहुत प्रतिस्पर्धा हो गई है भारत का ऋण क्षेत्र। बजट से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का टैक्स में कटौती का वादा, बोले महंगाई को आधा करने का लक्ष्य हुआ पूरा। अनिल देशमुख को झटका, सीबीआई ने बेटी और बहू के खिलाफ आरोप पत्र दायर, वही सीबीआई ने 2 साल बाद पूरा आरोप पत्र दायर किया है। पूर्व कप्तान का वर्तमान कैप्टन को पैगाम, कपिल देव ने रोहित शर्मा का बढ़ाया हौसला, ट्रॉफी चूकने पर भर आई थी रोहित की आंखें। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा देता है, वर्ल्ड कप फाइनल के बीच शाहिद अफरीदी ने कही थी ये बड़ी बात, अब खूब वायरल हो रहा वीडियो। अब रोहित और विराट का हाथ थामे नजर आए पीएम मोदी, ड्रेसिंग रूम से आई एक और खास तस्वीर, वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त मिली थी।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान, कई खिलाड़ियों को मिली जगह। फाइनल में मिली हार के बाद शुभमन गिल का छलका दर्द, कहा 16 घंटे बीत गए, कभी कभार आप अपना 100% देते हैं लेकिन वो काफी नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गाजा के पीड़ित बच्चों से की अपने बेटे की तुलना, तस्वीर शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट। भारत के हार से बौखलाए फैंस की शर्मनाक हरकत, ट्रेविस हेड की वाइफ और बेटी को दे रहे रेप की धमकी, हेड ने मैच जिताने में योगदान दिया था। भारत की हार पर मोदी बोले हम हमेशा आपके साथ, राहुल गांधी ने कहा अच्छा खेले जीत हार दोनों में टीम के साथ। गोल दागने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने एम्बाप्पे, रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ा। सविता पूनिया लगातार श्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार की रेस में, तीसरी बार जीत सकती हैं अवार्ड, ओलंपिक क्वालिफायर पर है निगाहें। मैं तो उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अंकिता लोखंडे ने कही बड़ी बात। इंटरनेशनल अवार्ड जीतने के बाद इमोशनल हुई एकता कपूर, बोली भारत मैं आपका एमी घर ला रही हूं। वीर दास ने इंटरनेशनल एमी 2023 में बड़ी जीत हासिल की। टाइगर 3 के सक्सेस पर सनी देओल ने सलमान खान को दी मुबारकबाद, बोले जीत गए, फैंस ने किए कमेंट। कॉफी विद करण 8 में ब्रेकअप पर बात करने से सारा अली खान से खफा हुए कार्तिक आर्यन, बोले अपने रिलेशनशिप का सम्मान करना चाहिए। दिवंगत पिता को याद कर इमोशनल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन, एक्ट्रेस ने शेयर की पुरानी तस्वीरें, नातिन आराध्या पर प्यार लुटाते नजर आए नाना। शेर बनकर दहाड़ेगा बाजीराव सिंघम, अजय देवगन का पहला शानदार लुक आया सामने, बाजीराव सिंघम को देख फैंस एक्साइटेड हो गए। मनीष मल्होत्रा अपनी पार्टी के सेलेब्स को देते हैं ड्रेस, फराह खान ने खुलासा कर कहा पहनने के बाद सेलेब्स को अगले दिन ही कपड़े लौटाने पड़ते हैं। चौवनवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुराग ठाकुर ने सेरेमनी का उद्घाटन किया, माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान मिला, वहीं सनी देओल भी मौजूद। वरुण बोले करण जौहर घर तोड़ते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा का मजाकिया अंदाज, कॉफी विद करण में लौटे पुराने स्टूडेंट्स। ओवरसाइज कोच पहने एयरपोर्ट पर दिखी पूजा हेगड़े, फॉर्मल लुक में दिखी शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और अदिति राव हैदरी भी नजर आए। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।